देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का बुधवार को निधन हुआ। रतन टाटा के बारे में यूं तो बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट से लेकर के तमाम जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई। दरअसल 1991 में जब रतन टाटा ने समूह की जिम्मेदारी संभाली थी, तब टाटा को पूरा देश जानता था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की उनकी जिद और उस अपने समूह को आगे बढ़ाने की तमन्ना रखते हुए रतन टाटा ने कई बड़े निर्णय लिए। हालांकि उनकी सादगी और विनम्रता हमेशा चर्चा में रही, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े विवाद भी हुए। इन्हीं में से एक विवाद है सिंगूर का नैनो प्लांट का मुद्दा। इसके अलावा सायरस मिस्त्री को जब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी, उसको लेकर के भी विवाद हुआ था। तो आइए आपको बताते हैं रतन टाटा की वो पांच बड़ी कंट्रोवर्सी जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। तो सबसे पहला विवाद अगर है वो है सिंगूर नैनो विवाद। जी हाँ, साल 2006 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने टाटा ग्रुप को सिंगूर में नैनो प्लांट लगाने का एक न्योता दिया और वहाँ की जमीन दी, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर मामला अटक सा गया। साल 2007 में ममता बनर्जी सत्ता में आई, उन्होंने नैनो प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और उसके बाद खूब प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, हिंसा भड़क गई। आखिरकार साल 2008 में टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल में नैनो के प्रोडक्शन के प्लान को विराम कर दिया और उसके बाद गुजरात के सानंद में ले जा कर के प्लांट लगाया, और ये उनका सबसे अच्छा और आम आदमी के काम आने वाली कार को बनाने का था, जिसको लेकर के उन्होंने एक सपना देखा था, टाटा की ड्रीम कार नैनो। उस वक्त तो नुकसान में रही, लेकिन सानंद आने के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसके बाद नैनो ने खूब नाम कमाया। हालांकि गुजरात आने के बाद खुद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और लॉन्चिंग के मौके पर भी पहुंचे थे। इसके अलावा दूसरा विवाद आता है सायरस मिस्त्री का केस। जी हाँ, साल 2012 का साल था जब पालोनजी मिस्त्री ग्रुप के सायरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के सिलेक्शन पैनल ने समूह की अगुवाई करने के लिए चुना था। दिसंबर 2012 में उन्होंने ग्रुप की कमान संभाली। हालांकि समय के साथ साथ हालात खराब हुए और ग्रुप के विस्तार व डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के मिस्त्री और टाटा के बीच संबंध बिगड़ गए। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा दिया, जिसके बाद मिस्त्री ने कहा था कि कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस है ही नहीं। टाटा ग्रुप ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। इसके बाद एक और विवाद सामने आता है, वो है नुसली वाडिया केस। बॉम्बे डाइंग कंपनी के प्रमुख नुसली वाडिया और रतन टाटा दशकों तक अच्छे दोस्त रहे, लेकिन सायरस मिस्त्री के विवाद के मामले में दोनों के संबंधों में खटास आई। दिसंबर 2016 में टाटा सन्स ने वाडिया को टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स के बोर्ड से हटा दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाडिया ने सायरस मिस्त्री को टाटा सन्स से बाहर किए जाने का विरोध किया था। वाडिया ने टाटा सन्स अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ डिफेमेशन का केस भी डाला और भरपाई के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। केस तो सुलझ गया, लेकिन दोनों के रिश्तों में कभी सुधार नहीं आया। इसके अलावा एक और विवाद सामने आया टाटा टेप्स का। जी हाँ, 1997 में इंडियन एक्सप्रेस ने नुसली वाडिया की रतन टाटा, केशु महिंद्रा और फील्ड मार्शल मानिक शाह के बीच टेलीफोन में हुई वार्ता को ट्रांसक्रिप्ट किया था और इसे पब्लिश किया था। ये बातें असम सरकार और टाटा टी के बीच चल रही दिक्कतों को लेकर थी। असम सरकार का आरोप था कि कंपनी आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के हाथ में थी। टाटा पर आरोप लगा था कि वो इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करवा रहे हैं, क्योंकि उल्फा राज्य की चाय कंपनियों से धन उगाही करने की कोशिश कर रहा था। टाटा टी ने कहा था कि उसे उल्फा से संबंध के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके अलावा एक और टेप्स आए, ये टेप्स थे नवंबर 2010 में राडिया टेप्स। जी हाँ, कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और तमाम उद्योगपति, राजनेताओं, पत्रकारों और नौकरशाहों के बीच एक टेलीफोन का रिकॉर्ड लीक हुआ था, मीडिया में आया था। इसकी वजह से तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ये पूरी बातचीत पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के खिलाफ आरोपों के बीच आई थी। ए राजा पर 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला चला था। ए राजा 2G स्कैम मामले के मुख्य आरोपियों में से एक थे, जिसके बाद उन्हें दोषमुक्त किया गया। राडिया ने जिन उद्योगपतियों से बातचीत और उनमें से एक टेप रतन टाटा के भी था। इन टेप के सामने आने के बाद रतन टाटा ने मीडिया पर इस तरह के और टेप प्रसारित करने पर रोक लगाने के लिए कोर्ट तक का
दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ ही ये तमाम कंट्रोवर्सियों का सच भी खत्म हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।